अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस योजना का शुभारंभ किया है? ए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, बी सेहत स्वास्थ्य जमा योजना, सी LIC योजना या डी सहारा इंडिया योजना। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के कैदी की गई जान। भागलपुर के मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी बांग्लादेश के मलिकपुर निवासी मोहम्मद तौफीक की जान चली गई। बंदी के मौत के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने भागलपुर DM और SDM को पत्र लिखा था, जिसमें पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने लिखा है कि बांग्लादेश के रहने वाले बंदी मोहम्मद तौफीक को पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए केस में कोर्ट ने 13 जनवरी 2010 को जेल भेजा था। जनवरी 2013 में उसे 3 साल की सश्रम कारावास हुई और ₹3 अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी थी। सजा पूरी होने के बाद उसे विदेश बंदी की वापसी सितंबर 2017 में होनी थी, लेकिन उसे कोई वापस ले जाने नहीं आया। उसकी तबीयत 24 नवंबर 2020 को बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पूर्णिया अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां से डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मृतक कैदी का कोरोना जाँच कराकर सब पूर्णिया प्रशासन को सौंप दिया है। कैदी था पूर्णिया के, पूर्णिया से रेफर हुआ था पूर्णिया सदर हॉस्पिटल से भागलपुर हॉस्पिटल। इलाज के दौरान उसका किस लिए रेफर किया गया था? बीमारी था, बीमारी वहाँ से रेफर डॉक्टर किया। क्या क्या नाम था कैदी का? तौफीक मोहम्मद तौफीक। कहाँ के रहने वाले? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। कौन किस में रहता? ये उग्रवादी के नाम पर नहीं होता, घुसपैठ में उसी में पकड़ा जाता है। घुसपैठी में पकड़ा जाता है। उसको तो उसका भाषा ही नहीं हम समझते क्या बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसको रेफर कर दिया। तो हम लोग वहाँ से रेफर किया, तो हम लोग ट्रीटमेंट मानसिक में ट्रीटमेंट कर रहे थे इसका। कब लाए थे इसको? इसको लाए थे 10 तारीख 10 दिसंबर को। मौत हुआ कल, हुआ 9:25 में इसका मौत। सुबह। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है, पवन कुमार यादव। देखिए फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे DJ वेट्स, DJ म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री। टिकट की बुकिंग शुरू है, संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। नवगछिया नगर परिषद बनने पर नवगछिया के लोगों में खुशी। नवगछिया नगर पंचायत को नगर परिषद में प्रोन्नत किए जाने पर नवगछिया के लोगों ने खुशी जाहिर की है। नवगछिया जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ने नवगछिया वासी के भावनाओं का सम्मान किया है। श्री सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नगर परिषद बनने के बाद नवगछिया में विकास की गति तीव्र होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई संदेश भी प्रेषित किया है। वहीं इधर नवगछिया के भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, नगर महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार भारती, भाजपा जिला मंत्री अजीत पटेल, ज्ञान सख सिंह, CNGN के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह, अशोक केडिया आदि अन्य ने भी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल को बधाई दी है।
नौगछिया में इंकलाबी नौजवान सभा की बैठक मौके पर वक्ताओं ने कहा 15 जनवरी तक 19 लाख रोजगार के लिए रोड मैप जारी करे एनडीए सरकार। नौगछिया के आनंद विवाह भवन नौगछिया में इंकलाबी नौजवान सभा की जिला संयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रोजगार के लिए आंदोलन तेज करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कॉमरेड सुधीर कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार जनता के लिए तबाही लेकर आई है। कोरोना की आड़ में मजदूरों के अधिकार को खत्म किया गया है। आज इंकलाबी नौजवान सभा आरवाईए भागलपुर की बैठक हुई है। इस बैठक में हम लोगों ने रोजगार और संगठन के विस्तार को लेकर लंबी बातचीत किया है। आज बिहार पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर वन है। बिहार चुनाव में एनडीए ने कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद 19 लाख रोजगार नौजवानों को देंगे और आज लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक 19 लाख रोजगार देने का कोई रोड मैप कोई योजना बिहार के नौजवानों के सामने नहीं रखा है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में 19 लाख रोजगार के सवाल को लेकर के नौजवानों के बीच जा रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं और अब बिहार के नौजवान बेरोजगारी और अपमान नहीं सहेगा, रोजगार को लेकर लड़ाई लड़ेगा। आगामी बजट सत्र में हम लोग 19 लाख रोजगार को लेकर के बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भागलपुर में इंकलाबी नौजवान सभा को मजबूत करने के लिए यहाँ के नौजवान साथियों ने तय किया है कि हम गांव-गांव में नौजवानों को जोड़ेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे। सुधीर राज सचिव इंकलाबी नौजवान सभा। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नौगछिया ट्रक पलटने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा 1.5 घंटे तक का जाम। नौगछिया के पकड़ा मोड़ के पास एक ट्रक के पलट जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। हादसा होने के तुरंत बाद से आवागमन अवरुद्ध हो गया और देखते ही देखते नौगछिया बस स्टैंड से लेकर बुदरी स्थान तक करीब 1 किलोमीटर तक जाम लग गया। सड़क से ट्रक को हटाने के बाद दिन के 2 बजे के बाद से ही सड़क पर परिचालन सामान्य हो पाया। नवगछिया भैया भाभी की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से लगाया गुहार। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक निवासी जयंत कुसुम ने अपने भैया भाभी के बरामदगी की गुहार नौगछिया एसपी से लगाई है। जयंत कुसुम ने कहा कि उसके भैया रंजीत कुमार राणा और भाभी मोनिका देवी 2 दिसंबर से लापता है। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जबकि आरोपी छुट्टा घूम रहे हैं। जयंत ने कहा कि आरोपियों से उसे जान माल के नुकसान का भय है। क्या मामला है सर? मेरे भैया और भाभी 2 तारीख से लापता हैं। इसके लिए मैंने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले ही मेरे भाभी का राजस्थान नाम के मकनपुर के हैं, उन्होंने फिर अपहरण किया था, लेकिन पुलिस के दबाव में आके उन्होंने छोड़ा। इस बार भी मेरे भैया और भाभी दोनों लापता हैं। इस बार भी मैंने आवेदन दिया, लेकिन इस बार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक कोई पता नहीं चला है। क्या नाम हुआ भैया का? भैया का नाम रंजीत कुमार राणा और भाभी का नाम मोनिका देवी। 2 तारीख से लापता है जी सर, 2 तारीख से। तो उनका नाम क्यों दिए आप आवेदन में? उसने पहले भी भाभी का 2 बार अपहरण कर लिया था, तो पुलिस के दबाव में आके उसने छोड़ा था। अच्छा, तो अभी आप आवेदन दिए हैं पुलिस को जी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई पता नहीं चला। आपका नाम हो गया? जयंत कुसुम। जयंत कुसुम जी। घर? घर हरनाथ सर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
नवगछिया मृत घोषित लड़की जिंदा बरामद, अभी भी जेल में है आरोपी। मामला गोपालपुर के तिनटेंगा गांव के झल्लू दास टोला का। पुलिस और परिजनों द्वारा मृत घोषित कर दी गई लड़की को रंगरा पुलिस ने जिंदा बरामद किया है। मामला रंगरा के झल्लू दास टोला का है। बरामद युवती नरहरी मंडल की 14 वर्षीय पुत्री एकता कुमारी है। शनिवार की सुबह रंगरा पुलिस ने युवती का मेडिकल चेकअप करवाकर न्यायालय में बयान कलमबद्ध कराया है। फिलहाल युवती पुलिस की अवरक्षा में। मालूम हो कि उक्त युवती की हत्या मामले में गांव के ही एक युवक संतोष कुमार लगभग 5 माह से जेल में है। युवती के जिंदा बरामद हो जाने के बाद पुलिस के साथ साथ परिजन भी हतप्रभ है। जानकारी मिली है कि इसी वर्ष 9 जुलाई को लड़की अपने घर से गायब हो गई थी। पिता नरहरि मंडल ने थाने में लिखित आवेदन देकर गाँव के ही संतोष कुमार को आरोपी बनाते हुए शादी की नियत से अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई करने का मन बना ही रही थी कि 29 जुलाई को झल्लू दास टोला गंगा नदी तट पर एक अज्ञात लड़की का सर कटा शव बरामद हुआ। ठीक 3 दिन बाद कटे हुए सर भी बरामद हुए। परिजन ने उस वक्त अज्ञात लड़की के शव की पहचान एकता कुमारी के रूप में की थी। इसके बाद इस मामले में एकमात्र आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वह अभी भी जेल में ही है। गोपालपुर पंचायत शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा करने पर बीओ ने इस्माइलपुर थाने में पंचायत सचिव पर कराया मामला दर्ज। पटना उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बावजूद पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फोल्डर जांच हेतु नहीं जमा करना इस्माइलपुर प्रखंड के पश्चिमी भिट्ठा व लक्ष्मीपुर नारायणपुर पंचायत सचिवों को काफी महंगा पड़ गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस्माइलपुर राधाकृष्ण प्रसाद सिन्हा ने दोनों पंचायतों के सचिव पर इस्माइलपुर थाने में समय पर नियुक्ति से संबंधित फोल्डर जमा जांच हेतु नहीं करने के कारण मामला दर्ज कराया है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया मास सिकिंग में 64 लोगों एवं 3 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मास्क चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 64 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 3200 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 3 वाहन चालकों से 3000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया है। नवगछिया के रंगरा थाने में लगा जनता दरबार। 6 लोगों ने भूमि विवाद से संबंधित मामले में दिया आवेदन। नवगछिया के रंगरा थाने में भूमि विवाद से संबंधित मामले के निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। जानकारी मिली है कि जनता दरबार में कुल 6 लोगों ने भूमि विवाद से संबंधित आवेदन दिया है। मौके पर थाना अध्यक्ष मेहताब खान समेत कई अन्य अंचल कर्मी भी उपस्थित थे। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया 20 लीटर देसी शराब बरामद। शराब की भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त, आरोपी फरार। रंगरा पुलिस ने कलबलिया धार दियारा में छापेमारी कर रंगरा पुलिस ने एक देसी शराब की भट्टी का उद्भेदन किया है। पुलिस ने भट्टी को ध्वस्त तो कर दिया, मौके से पुलिस ने 20 लीटर देसी शराब को भी बरामद किया है। मेहताब खान ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कलबलिया धार में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान शराब बनाने और बेचने वाला कारोबारी भाग गया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया देसी शराब बनाने के उपकरण सहित भारी मात्रा में देसी शराब के साथ मोटी रकम के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने गुरुवार की देर रात को गुप्त सूचना के आधार पर गोसाई गांव निवासी कपिल देव मंडल के बासा पर छापेमारी कर देसी शराब के उपकरण सहित भारी मात्रा में देसी शराब व मोटी रकम के साथ धंधेबाज कपिल देव मंडल व गोपाल शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने दी। नवगछिया एसपी आवास के पास NH31 पर अनियंत्रित ट्रक ने महिला को मारा धक्का, महिला की गई जान। नवगछिया थाना क्षेत्र के एसपी आवास के समीप NH31 के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को धक्का मार दिया। दुर्घटना में महिला खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी निवासी कुंती देवी 43 वर्षीय, पिता सत्तो यादव की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर
मौके पर पहुंची नौगछिया पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां नौगछिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे डीजे वेट्स डीजे म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री टिकट की बुकिंग शुरू है। संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787732505243। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया, संपर्क करें 9060127642 9308708313। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।